ठीक है। तो हम लोग पहले शर्त देखते हैं कि प्रकाश की व्यतिकरण के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। देखियो, आप जानते हैं कि व्यतिकरण के लिए हमें दो तरंगे चाहिए। दो तरंगे जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे होनी चाहिए, एक ही दिशा में यदि आगे बढ़ रही हैं, तब ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, उनके अध्यारोपण के बाद ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है और कहीं पर तीव्रता बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इस घटना का नाम आपने दिया था व्यतिकरण। लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो जो शर्तें होनी चाहिए, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से सब चीज दिखाई दे, उन सारे शर्तों को लिखवा रहा हूं मैं, समझिएगा बात को ध्यान से। पहला शर्त हम बोल रहे हैं बाबू कि दो तरंग जो होना चाहिए, या दो जो तरंग हम जिनका अध्यारोपण करवा रहे हैं, व्यतिकरण करवा रहे हैं, ये दोनों तरंग कला संबद्ध होना चाहिए। कला संबद्ध का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि आप व्यतिकरण करवाना चाहते हैं, आप दो बल्ब जला लिए, ठीक है, दो बल्ब आपने जलाया, दो बल्ब है ना, एक ये बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, ठीक, ये दो बल्ब आपने जलाया, ये दोनों से प्रकाश तरंगे निकल रही हैं दोनों बल्ब के जलाने से, ठीक है। तो इनको मिलने के बाद इन इन दोनों बल्बों से उत्पन्न प्रकाश तरंग के आपस में मिलने के बाद जो व्यतिकरण की घटना घटनी सोच रहे हैं कि व्यतिकरण की घटना घटेगी, ये संभव नहीं हो पाता है बाबू। क्यों बाबू? इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि ये स्रोत दोनों अलग अलग है, अलग अलग स्रोत होने के कारण इससे जो उत्पन्न प्रकाश तरंग है उसकी जो अपनी कला है, और इससे उत्पन्न जो तरंग है प्रकाश तरंग उसकी अपनी कला है। कला बताया थी आपको, इसका अपना अलग कला है, इसका अपना अलग कला है। जब ये माध्यम में आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच जो कलांतर होता है बाबू, कलांतर वो एक समान नहीं रह पाता, नियत नहीं रह पाता, बदल जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, व्यतिकरण होने के लिए, प्रकाश के दो तरंगों के व्यतिकरण होने के लिए, वो दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है, उन दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो स्थिर रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, अचर रहना चाहिए, मतलब नहीं बदलना चाहिए, तभी जो है व्यतिकरण का पहला शर्त है, ठीक है। तो सवाल ये है, मैं क्वेश्चन में आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि बताइए कि जब दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से, दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से उत्पन्न प्रकाश तरंगे आपस में व्यतिकरण करेंगी अथवा नहीं, तो आप जवाब दीजिएगा नहीं। कारण इसका पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो कलांतर नियत नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, अचर नहीं रहता, नहीं बदलता, समझे बात। ये पहला कंडीशन है। तो क्या उपाय है भाई, उपाय क्या है? हम दो प्रकाश स्रोत नहीं लेंगे, दो प्रकाश स्रोत नहीं लेंगे तो दो तरंग कहां से मिलेगा हमें? मिलेगा, मिलेगा। दो हम अलग अलग स्रोत नहीं लें, हम एक ही स्रोत लें। जैसे मान लिया बाबू कि हम हमारे पास एक पर्दा है, यंग ने यही काम किया था अपने प्रयोग में, एक पर्दा है, ठीक है। इस पर्दे में एक छिद्र डाल दीजिए, यहाँ पर एक छिद्र कर दीजिए, यहाँ पर छेद कर दीजिए, और यहां से कोई प्रकाश तरंग को भेजिए, ठीक है। कोई प्रकाश तरंग को हमने भेजा, ये प्रकाश यहाँ पर एक ही स्रोत से ये प्रकाश जाना चाहिए, प्रकाश जब निकला यहाँ से, इसके ठीक आगे एक और पर्दा लगा हुआ है, लेकिन इस पर्दे में दो छेद किया गया, ठीक है। इस पर्दे में एक छेद है, इसमें एक छेद है, इसमें यहां पर भी छेद है, और यहां पर भी हमने छेद कर दिया, ठीक है। इसको भी समझिएगा, रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो छिद्र है, ठीक है, ये भी छिद्र है, ये भी छिद्र, दो छिद्र है। यहां से जो बाबू एक स्रोत से जो प्रकाश चला था, इस छिद्र के पास ही पहुंचेगा, इस छिद्र के पास ही पहुंचेगा, और यहां पर भी छिद्र पहुंच, इस छिद्र के पास भी पहुंचेगा। इसके बाद जो यहां से निकलेंगी, यहां से दो तरंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दोनों तरंगे एक ही स्रोत से प्राप्त हुई हैं। यहां से जो निकला है बाबू प्रकाश हमें, यही प्रकाश दो पार्ट में बटकर वही छिद्र से और नीचे वाला छिद्र से ये दो पार्ट में निकल रहा है, तो हमें दो तरंगे प्राप्त हो रही है जो दोनों एक ही स्रोत की है, मतलब एक ही माँ बाप की संतान है दोनों, ठीक है। लेकिन ये दो बल्ब यदि जलाते हैं आप, तो दोनों से निकलने वाली प्रकाश तरंगे, उत्पन्न तरंगे, ये दोनों प्रकाश का जो बाल बच्चा है, दोनों अलग अलग जो है स्रोत का बाल बच्चा है, इसीलिए उनके बीच कालांतर हमेशा एक समान नहीं रहेगा, माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर कालांतर बदल जाएगा। कालांतर सेम जब तक नहीं रहेगा बाबू, तब तक नियत नहीं रहेगा उन दोनों के बीच में, कालांतर नियत नहीं रहेगा तब तक व्यतिकरण की घटना नहीं घट सकती। इसीलिए यंग का जो प्रयोग हुआ था उसका नाम पड़ा था यंग का द्विझिरी प्रयोग, उसका नाम पड़ा था यंग का द्विझिरी, मतलब दो गो छिद्र वाला जो है प्रयोग हुआ था उनमें, ठीक है। हम लोग उसको आगे देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर समझते हैं शर्त। पहले
एक ही स्रोत हमने लिया, यहां से प्रकाश निकला और इसमें दो छिद्र हमने किया है बाबू, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से इससे बराबर बराबर दूरी पर। यहां से जो दो तरंगें हमें प्राप्त हो रही हैं या द्वितीयक तरंगिकाएं प्राप्त हो रही हैं, ये दोनों तरंग के साथ कला संबंध होना चाहिए। ये दोनों कला संबंध होगा क्योंकि इनके बीच कहीं पर भी आप आगे चले जाइए, कहीं पर आगे बढ़िए, इनके बीच कालांतर हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, ये कला संबंध स्वरूप होगा, इसीलिए इनसे जो घटना घटेगी, व्यतिकरण की घटना घटेगी और आगे चलकर पर्दे पर एक अस्पष्ट जो है बाबू व्यतिकरण प्रारूप प्रत्यार होगा। लेकिन दुगो बल्ब जला के सोचिएगा कि हमको व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो जाए, व्यतिकरण की घटना हो जाए, ये संभव नहीं है क्योंकि ये कला संबंध स्रोत नहीं होते। इसका मतलब दिमाग में आपकी बात घुसा कि दोनों तरंगों को या दोनों स्रोतों को कला संबद्ध होना चाहिए। पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए प्रकाश की दो तरंगों के बीच का कालांतर, प्रकाश के दो तरंगों के बीच का कालांतर हमेशा नियत या इसी को बोलते हैं अचर, हमेशा नियत ऑब्लिक अचर, नियत ऑब्लिक अचर रहना चाहिए। अर्थात दोनों कला संबद्ध होनी चाहिए। बात देखिए, हम बोले कि दोनों के बीच का कालांतर हमेशा नियत रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं कला संबद्ध, है ना। ऐसे लिखिएगा, लिख रहा मैं बोर्ड पे, कला संबद्ध, संबंध मत लिखिएगा, संबंध नहीं, संबद्ध बोल रहा हूं मैं, संबद्ध, कला संबद्ध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोहेरेंट कहा जाता है, इंग्लिश में कोहेरेंट कहते हैं, कला संबंध होनी चाहिए। कह रहे बाबू, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए, बोलिए। सेकंड लिखिए, दूसरा ये बताइए कि जो व्यतिकरण की घटना हो रही है, एक वो तरंगवा हेने मुंह करके चले और दूसरा का तरंगवा हेने मुंह करके चले बाबू, व्यतिकरण की घटना घटेगी? बोलो, घटेगी नहीं। दोनों को एक ही दिशा में चलना चाहिए, दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। लिखिए आप दूसरा कंडीशन लगाइए, देखिए प्रकाश के दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, थर्ड लिखिए, प्रकाश के दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य। फॉर्मूला आपको बताया था वो वी इक्वल टू एन लैम्डा या एफ लैम्डा बताया गया था। ठीक है, आवृत्ति यदि समान होगा तो तरंग दैर्ध्य भी आपको समान ही होगा, दोनों तरंग का आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अगला शर्त ये है बाबू, मैंने आपको बताया था आज सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में, सबसे लास्ट में हमने लिखवाया था कि दोनों तरंगों का यदि आयाम बराबर हो जाए,
आयाम बराबर हो जाए बाबू, तो संपोषी व्यतिकरण में पूरी तरह से तीव्रता जो है बढ़ जाती है, चार गुना आपको प्राप्त हुआ था, और विनाशी व्यतिकरण में आपको जीरो प्राप्त हुआ था। तीव्रता कितना प्राप्त हुआ था बाबू? जीरो प्राप्त हुआ था। आयाम भी क्या प्राप्त हुआ था? क्या A1 माइनस A2 निकाले थे आप? तो देखिए, विनाशी में ऐसा होना चाहिए, होना जरूरी है। यदि ऐसा होगा तो और ज्यादा स्पष्ट आप क्लियर विपर्याय कंट्रास्ट क्लियर एकदम आप प्रारूप देखेंगे व्यतिकरण का। प्रकाश का जब व्यतिकरण होता है तो आपके अंदर आपको यदि ये दिख जाए कहीं पर उजाला और कहीं पर एकदम बिल्कुल डार्क स्पॉट काला धब्बा, तो आप स्पष्ट आपको दिखाई देगा उजला काला, उजला काला, उजला उजाला काला, उजाला काला, ब्राइट फ्रिज डार्क फ्रिज, ब्राइट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, दीप्त अधिक दीप्त, इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक एक जगह मान लीजिए थोड़ा सा उजाला आपको चमक दिखाई दिया और दूसरा दूसरा जगह धुंधला दिखाई दे रहा, पते नहीं चल रहा है, पते नहीं चल रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन पैदा होगा, कहां गया डरकवा, कहां गया बैठवा, यही पकड़ते पकड़ते आपका समय बीत जाएगा। इसीलिए आयाम जो है बाबू दोनों तरंगों का या तो लगभग बराबर या बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। यदि बराबर हो जाए तो और अच्छी बात है। बराबर होने से फायदा क्या है? बराबर हो जाता है तो संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता याद कीजिए बाबू और आयाम याद कीजिए, आयाम डबल और तीव्रता चार गुना, और जब विनाशी व्यतिकरण हुआ था उसमें क्या हुआ था? आयाम जीरो और तीव्रता भी जीरो। आजकल सबसे लास्ट वाला देखिएगा नोट में जो लिखवाया गया था, तो जीरो यदि हो जाएगा जहां पर तीव्रता ही जीरो है वहां पे काला धब्बा दिखाई देगा, ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा हमें, जिसको हम बोलेंगे अद्वित फ्रिंज। तो एक स्पष्ट रूप से हमें एक प्रारूप तैयार होगा, प्रारूप दिखाई देगा, तो हम कहें कि हाँ व्यतिकरण हमें समझ में आ गया। आप लोग कहिएगा सर व्यतिकरण हमें समझ में आ गया, कहीं पर उजाला और कहीं पर काला का मतलब क्या है? काला का मतलब वहां पे तीव्रता शून्य हो गया और उजाला का मतलब आपको तीव्रता वहां पर सब बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो गया, समझे बात। अरे मान लीजिए ऐसा नहीं हो, धुंधला धुंधला दिखाई दे, तब तो आप कंफ्यूजन में रहिएगा कहां उजाला कहां काला। इसलिए एक कंडीशन यहां पर फुलफिल किया जाता है कि दोनों का आयाम या तो बराबर होना चाहिए या लगभग बराबर होना चाहिए, समझे बात, लगभग बराबर होना चाहिए। लिखिए आप अगला कंडीशन, प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम, दोनों तरंगों का आयाम या तो बराबर, दोनों तरंगों का आयाम या तो बराबर या तो बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए, या लगभग बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम या तो बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए, या लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है बाबू। यहां से कोई डाउट? प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम या तो बराबर या लगभग बराबर होनी चाहिए, या लगभग बराबर होनी चाहिए। कि माध्यम का जो कण होता है, माध्यम का कण का जो महत्तम विस्थापन होता है तरंग संचरण के दौरान, ठीक है, कितना ज्यादा विस्थापित हो रहा है। यदि कम विस्थापित होगा तो आयाम उसका कम होगा, कम उसका ज्यादा विस्थापन होगा यदि, ठीक है, तो उसका हम कहेंगे कि आयाम ज्यादा है। ये समझाया गया था आपको, बढ़िया से देख लीजिएगा, उसमें सब चीज बताया गया है, ठीक है। तो आयाम लगभग या तो बराबर होना चाहिए बाबू या फिर बराबर होना चाहिए। अब सुनिए, आयाम तो समझ गए, अब सुनिए जो दो स्रोत हमने लिया है बाबू, प्रकाश तरंग जो दो तरंग हमने लिया है, वो दोनों तरंगों का जो स्रोत है वो पास पास होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो जो है स्रोत जो है हम वहां से ले रहे हैं
और एक स्रोत उस किनारे से, एक स्रोत इस किनारे से, ऐसे नहीं, दोनों जो है पास पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसीलिए यंग ने क्या किया था, एक वो पर्दा लेकर उसमें दो छिद्र बना दिया था पास पास, यहीं से जो दो तरंगें यहां से प्राप्त हुई थी, दो तरंग स्रोत के रूप में प्राप्त हुई थी वह, तो ये दोनों तरंगों का जो व्यतिकरण हुआ था, व्यतिकरण के बाद एक स्पष्ट प्रारूप वहां पर तैयार हुआ था। फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, फ्रिंजों के बीच की दूरी एक स्पष्ट दूरी, पर्याप्त दूरी बनी होनी चाहिए। इसके लिए ये दो स्रोतों के बीच दूरी आपको कम होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए आप, प्रकाश के दोनों तरंगों, नेक्स्ट, प्रकाश के दोनों तरंगों से संबंधित स्रोत, से संबंधित स्रोत बहुत नजदीक होनी चाहिए ताकि व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की बीच की दूरी पर्याप्त बनी रहे ताकि वे अस्पष्ट दिखाई दें। ये सभी शर्तें आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं। लिखिएगा, प्रकाश के दो तरंगों से संबंधित स्रोतों के बीच की दूरी, प्रकाश के दो तरंगों से संबंधित स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए ताकि व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की बीच की दूरी पर्याप्त बनी रहे ताकि वे अस्पष्ट दिखाई दें। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग अब लिखने जा रहे हैं बाबू, नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिएगा आप, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए आप, यंग का द्विझिरी, यंग का द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग, कभी कभी शॉर्टकट लिख देता है यंग का द्विझिरी प्रयोग, द्विझिरी में समझिएगा किसके बारे में, कहां पढ़े थे आप लोग, व्यतिकरण के लिए पढ़े थे, इसलिए हमने पूरा लिख दिया यंग का द्विझिरी, इसका किससे संबंध है, व्यतिकरण से संबंध है बाबू, ये प्रयोग का नाम है यंग का द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग। अब इसको हम लोग समझते हैं यंग का द्विझिरी व्यतिकरण प्रयोग क्या है, ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम आपको दिखाएंगे, उस डायग्राम को बना लीजिएगा। देखिए, सन 1801 में यंग ने प्रयोग किया था, 1801 में एक प्रयोग किया यंग ने। इस प्रयोग में क्या किया गया था बाबू, पहले एक पर्दा लिया गया, ठीक, उसके बाद दूसरा पर्दा लिया गया और उसके बाद तीसरा पर्दा लिया गया, तीन पर्दा लिया गया। पहला पर्दा में एक छिद्र किया गया, एक छिद्र बीच में, ठीक, दूसरे पर्दे में दो छिद्र ऊपर और नीचे, इससे इस छिद्र से पहले वाले छिद्र से बराबर बराबर दूरी पर ऊपर नीचे छिद्र किया गया, ऊपर नीचे छिद्र किया गया पहले पर्दे से, और तीसरे को थोड़ा सा दूरी पर यूं ही रखा गया इस प्रयोग में, ठीक है। अब एक छिद्र किया गया यहां पर, दो छिद्र किया गया, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पहले हम बता चुके हैं,
पहले छिद्र से जब यहां से प्रकाश किसी स्रोत से वायु प्रकाश जब हम इस प्राप्तित कराते हैं, यहां से प्रकाश तरंगें निकलती हैं, तो यहां दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहां पे दो छिद्र है, ऊपर और नीचे। यहां से बाबू, यहां से जो इस छिद्र से जो निकलने वाला जो प्रकाश है छित्राकर, सभी जगह छित्राकर ये दोनों छिद्रों तक पहुंचता है। फिर यहां से जब निकलती है तो ये दो स्रोत की तरह काम करता है, दो तरंग स्रोत, दो प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है, और इससे निकलने वाले जो प्रकाश तरंग है उन्हीं का व्यतिकरण होता है। अब इसके ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला जो हम बताए हैं पर्दा, ये पर्दा थोड़ा दूरी पर, अब इसके बीच में व्यतिकरण की घटना घटती है बाबू। ये दो तरंगे जो निकल रहे हैं यहां से, ये आपस में यहां पर इन्हीं दोनों के बीच में मिलन होता है, कुछ कुछ होता है दोनों तरंगों के बीच में। अब कुछ कुछ होना शुरू होता है, और कुछ कुछ का मतलब क्या, व्यतिकरण होना शुरू होता है। और व्यतिकरण जब शुरू होता है इसके बीच माध्यम में बाबू, इन दोनों के बीच में, तो ये पर्दे पर उसी व्यतिकरण का एक प्रारूप दिखाई देता है, जिसमें एकांतर क्रम में ऊपर में दीप्त, फिर अदीप्त, फिर नीचे दीप्त, फिर अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरह से मतलब उजाला काला, उजाला काला, उजाला काला, इस तरह से पर्दे पर जो है पैटर्न दिखाई देता है बाबू। यही है आपको यंग का बिजली प्रयोग, लेकिन हम लोग डिटेल देखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि कैसे फ्रिंज जो है कैसे बनता है, समझे बाबू। डायग्राम से चीज और स्पष्ट होगा आपको कि कैसे ये बनता है, और इसका मैं आपको वीडियो वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि और दिमाग में क्रिस्टल क्लियर आपको बन जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले यंग का द्विजीवी प्रयोग के बारे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। लिखिए, सन 1801 में महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थॉमस यंग ने व्यतिकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। व्यतिकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया। इसमें लिखिए, इसमें उन्होंने एक पर्दा लेकर उसमें मध्य में एक छिद्र किया। पर्दा लेकर उसके मध्य में एक छिद्र किया। पुनः एक दूसरा पर्दा पहले पर्दे के नजदीक लाकर उसमें बराबर दूरी पर दो छिद्र करके उसे व्यवस्थित किया। उन्होंने तीसरा पर्दा पहले और दूसरे पर्दे के सापेक्ष कुछ अधिक दूरी पर व्यवस्थित किया
व्यवस्थित किया खड़ी भाई, ठीक है। यंग ने, खड़ी भाई वाली, यंग ने जब पहले पर्दे के छिद्र पर, पहले पर्दे के छिद्र पर, छिद्र पर किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को आपतित कराया, प्रकाश को आपतित कराया, आपतित कराया, तब तब इस छिद्र से, इस छिद्र से, इस छिद्र से प्रकाश निकलकर, इस छिद्र से प्रकाश निकलकर दूसरे पर्दे के दोनों छिद्रों, दूसरे पर्दे के दोनों छिद्रों, दोनों छिद्रों तक पहुंचकर, तक पहुंचकर, पहुंचकर वहां दो प्रकाश तरंगों के रूप में, दो प्रकाश तरंगों के रूप में, दो प्रकाश तरंगों के रूप में या द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, या द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करने लगती हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करने लगती हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करने लगती हैं, करने लगती हैं, ठीक है। इन इन दोनों तरंगों का, इन दोनों तरंगों का, इन दोनों तरंगों का दूसरे एवं, दूसरे एवं तीसरे पर्दे के बीच, दूसरे एवं तीसरे पर्दे के बीच, दूसरे एवं तीसरे पर्दे के बीच व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक है। हरिपाई अंततः, अंततः तीसरे पर्दे पर, तीसरे पर्दे पर, तीसरे पर्दे पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज, तीसरे पर्दे पर दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज, फ्रिंज एकांतर क्रम में, एकांतर मतलब एक अंतर करके, पहले दीप्त उसके बाद अदीप्त फिर दीप्त फिर अदीप्त, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसे व्यतिकरण, इसे व्यतिकरण प्रारूप कहा जाता है, इसे व्यतिकरण प्रारूप कहा जाता है, इसे व्यतिकरण प्रारूप कहा जाता है, इसे व्यतिकरण प्रारूप कहा जाता है। देखिए वो कैसे बनता है ये फ्रिंज, अब इस चीज को समझिएगा, ठीक है। फ्रिंज कैसे बनता है, यदि व्यतिकरण प्रयोग में नेक्स्ट लिप पर ऐसे लिप कर ले सकते हैं, फ्रिंजों का, फ्रिंजों की बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया कैसे बनता है, देखिए अब ध्यान से।
यम के द्विजीवी प्रतिकरण प्रयोग में है ना, ये जो बन रहा है बाबू, फ्रिज जो बन रहा है उसके बनने की कैसी प्रक्रिया है, सिर्फ आप समझना है। आवाज जा रही है मेरी, बोला जाओ, ये बटन सबको दिख रहा है? ठीक है, यही है आपका यंग के द्विजीवी प्रयोग से प्राप्त जो पैटर्न था पर्दे पर, यही था कॉन्सेप्ट बाबू।